तो सभी लोग ध्यान से दो, कल जो हम लोगों ने डी एस एस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। फर्स्ट तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाइन, है ना। स्ट्रक्चर डिजाइन में आप लोगों को क्या क्या डिस्कस किया था मैं, कि उसका एरिया कितना होना चाहिए जो स्टील हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके एरिया कितना होना चाहिए, है ना, उसमें बार कितने होने चाहिए, है ना, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, है ना, यानी वो सेफ भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हम कहां पे डिस्कस किए, इसको डिजाइन के अंदर एक होता हमारा स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ये थर्ड होता हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। तो अगर इन तीनों का अगर मैं ये करता हूं तो पूरा बन जाएगा मेरा क्या, डीएसएस, यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्या कहा मैंने, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बोले मैंने यहां से, एक बोले यहां से, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अगर एक बार पूछना चाहूंगा, यहां पर हो गया अपना स्ट्रक्चरल स्टील। एक बात ध्यान देना, जो हम लोग जो डीएसएस जो पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट, उसमें जो स्टील होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर E250, यही कहते हैं आप लोग, है ना। और E का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग स्टील। E का मीनिंग होता है इंजीनियरिंग स्टील, या इसको बोल सकते हैं E का मतलब होता है, इसको अपन लोग ग्रेड ग्रेड 250 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, ठीक है ना। आगे तो आप लोगों का मैं बेसिक ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक होता अपना री इन फोर सीमेंट, री इन फोर सीमेंट, री इन फोर सीमेंट स्टील, री इन फोर सीमेंट स्टील, ठीक है। तो मेरे को तो बताओ सर, रिइंफोर्स सीमेंट स्टील में क्या यूज करते हैं सर हम लोग, एक ही 250, ठीक है, एक ही 415 और एक ही 500। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया रिइंफोर्स सीमेंट का मतलब क्या होते हैं, कि जो चीजें हमको कंक्रीट कंक्रीट प्लस स्टील से बनाना हो, जी ये भी मेंबर हमारे कंक्रीट और स्टील से मिलकर बनाना हो, तो उसको बोलते हैं रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इसमें सीमेंट सेन और एग्रीगेट से उसको मिला दिया, और उसमें क्या लगा दे स्टील, तो बन जाएगा अपना रीइंफोर्स सीमेंट स्टील, या फिर इसको बोलते हैं आरसीसी। आरसीसी यानी जो जनरली जो मकान वगैरह जैसे यूज होता है ना, जैसे आप लोग जहां से भी बैठ के देख लोगे इसको, तो वहां पर जो मकान वगैरह जो होते हैं ना, वो सब आरसीसी का बनता है। फिर सर आपने तो ये क्यों होगा, स्टील क्या होता है, अरे जैसे आप लोग अगर रेलवे स्टेशन वगैरह के ऊपर जाते हो और एक मकान बड़े बड़े दिखते हैं ना अपने को, जो पूरे सरे से बना होता है, यानी पूरा पूरा उसमें स्टील लगा रहता है ना। रेलवे पटरी की बात करता हूँ मैं, तो पूरी स्टील की बनी होती है। रेलवे पुल की अगर बात करता हूँ तो पूरे के पूरे स्टील का बना होता है। तो उस टाइप से जो स्ट्रक्चर होते हैं ना हमारे, वो होते हैं हमारे स्ट्रक्चर स्टील, ठीक है ना। एक बार ध्यान देना आप लोग कि अगर मैं यहाँ पर रे इनफोर सीमेंट स्टील की अगर बात करता हूँ, तो वहां पर सीमेंट और कंक्रीट पक्का आना ही है, यानी वहां पर हमेशा हमारा कंक्रीट यूज होगा। और जहां पर अगर कंक्रीट यूज नहीं होता, वहां पर ओनली एक बार स्ट्रक्चर स्टील में हमेशा कंक्रीट यूज होता ही नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर स्टील में यहाँ पर कहीं पर भी हमारा कंक्रीट यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो एपी 250 हो गया, एपी 415 हो गया, एपी 500 हो गया। तो भैया इस एपी का मतलब क्या होता है अपना, आयरन। इस एपी का मतलब क्या हो गया हमारा, आयरन। और ये 250 का हो गया हमारा इल्ड स्ट्रेंथ, इल्ड स्ट्रेंथ,
इल स्टेन, ठीक है। अब इल स्टेन आपने कभी कभी सुना होगा, एक होता इल स्टेन और एक होता अपनी अल्टीमेट स्टेन, अल्टीमेट स्टेन स्टेन, ठीक है। इल स्टेन का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू दी हमको 250, उससे ज्यादा हम लोगों को लोड नहीं लगाना है। अगर लोड अगर 250 से अगर ज्यादा लगाओगे आप लोग तो यहाँ पर क्या होगा भैया कि ये परमानेंट प्लास्टिसिटी, इसमें प्लास्टिसिटी जो है हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ जाएगी। यानी प्लास्टिसिटी का मतलब जैसे प्लास्टिक वगैरह का आप देखते होंगे ना, एक बार सब खींच दिया तो अपने शेप में अपनी जगह वापस जाने की कोशिश नहीं करती है। तो कहने का मतलब 250 आप लोग को ये रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो हम लोग मोस वगैरह में इसको कैसे क्या पढ़ना है लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस होना चाहिए। एक होता है अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब होता है अगर एम 250 की बात करो, है ना, जिसको न्यूटन एमएम इसको भी आप बोल सकते हो यूनिट, है ना। तो अगर मैं इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ तो सर आपको तो ये बोलता हूँ कि जो आयरन 250 होता है ना उसका फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा ये 417 से 430 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे ये टूट जाएगा। यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपना फ्रैक्चर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी ब्रेक इसमें हो जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये आकर एमपी 250 अगर 417 और 430 पे अगर टूट रहा है, इसके रेंज के बीच में अगर टूट रहा है तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना। लेकिन अगर यील्ड स्ट्रेंथ अगर कुछ ज्यादा ताकत बढ़ाओगे तो वो स्ट्रक्चर मतलब फेल नहीं होगा, स्ट्रक्चर हमारा क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये होगा कि उसमें जो इलास्टिसिटी होती है ना, प्रत्यास्थता, वो क्या हो जाएगी, पूरी समाप्त हो जाएगी, है ना। जैसे उदाहरण तौर पर आप लोग को बता दो कि जैसे जो रबर होती है हमारी, रबर होती है उदाहरण तौर पे, उसको उस समय के लिए क्या होता है, जैसे मैंने मान लो 245 का लोड लगाया तो उसके अंदर इलास्टिसिटी क्या उसमें है, 250 तक भी लगाया तो उसके अंदर इलास्टिसिटी है, लेकिन जैसे मैंने 251 लोड लगा दिया तो वो फिर रबर अपने सेप में वापस नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब ये है मान लो ये कोई हमारा एक मेंबर हो गया, मान लो ये हो गया अपने कॉलम, ये क्या हो गया अपने कॉलम, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, है ना, और इसको बोलते हैं अपन लोग बीम, ये क्या हो गया हमारा बीम, इसको बोलते हैं धारण, इसको क्या कहते हैं हम लोग धारण। और मान लो ये क्या हमारा पुल हो गया, इसको क्या मान लो पुल मान लो, है ना, ये क्या है हमारा पुलिया है। और मेरे को कुछ नहीं सर, मेरी गाड़ी तो है ना बीच में जाकर पंचर हो गई, एक गाड़ी का पहिया ये हो गया अपना और एक पिछला पहिया ये हो गया, आप इसमें चार चार पहिए तो बना ही नहीं सकते। तो सर हमारी गाड़ी तो है ना यहाँ पर जाके क्या हो गया, पंचर हो गया, है ना। अब गाड़ी का यहाँ पर लोड लग रहा, अब गाड़ी क्या मेरे पास ट्रक है बड़ा वाला, है ना, तो ट्रक क्या होगा उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, तो ये ब्रिज जो स्लेब है ना वो थोड़ी सी क्या है इसमें क्या थोड़ा डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगी स्लेब हमारी, यानी ये दूरी कुछ बढ़ जाएगी हमारी, है ना। अब सर मेरे को बोलो, अब सर मैंने ये कहा कि इसमें मैंने 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्टील यूज किया हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक एमएम स्क्वायर में, है ना, अब इसको ध्यान से सुनना, मैं आपको उसे यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपको बहुत समझ में आ ही जाना चाहिए एक बार में। अगर मान लो मैं सर 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ कि भैया मैंने ये कहता हूँ कि अगर ये क्षेत्रफल मेरा कितना है, एक एमएम का है ना, यहाँ से लगा मान लो ये एक एमएम का क्षेत्रफल हो गया मेरा, ये टोटल इसका जो क्षेत्रफल कितना हो गया, एक एमएम का, तो हर एक एमएम का जो क्षेत्रफल होता है ना वो एपी 250 कम से कम 250 न्यूटन का बल सहन कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर अगर एक एमएम का क्षेत्रफल होता है, अगर वो स्टील हमारा अगर 250 एपी 250 का बना हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एक एमएम का क्षेत्रफल होता है ना हमारा, इसके ऊपर अगर हम लोग अगर 250 न्यूटन का अगर बल भी लगा दें तो उसका क्षेत्रफल को वो
को सहन कर ले, तो इसीलिए बोलते हैं इसका यूनिट क्या होता है, इसे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ सर, इस स्टील को मैंने बना दिया है ना, और यहाँ पर मेरी गाड़ी खत्म, है ना, एक मेरी गाड़ी हो गई ना, तो उसका बल नीचे से आ रहा है, और गाड़ी के लिए वजन मान लिया मैंने यहाँ पर कितना 1200 न्यूटन, जो गाड़ी का वेट टोटल कितना हो गया हमारा 1200 न्यूटन। सर एक बार मेरे को कंफ्यूजन आ रहा है कि मेरे को स्टील जो है उसमें 250 एमएम का मैंने यहाँ पर स्टील प्रोवाइड किया हुआ है, और आपने यहाँ पर नोट लगा दिया 1200 न्यूटन। हाँ तो भैया ये तो स्टील से डिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैंने सर कैसे, अरे इसका जो एरिया होगा यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, एरिया ये वाला इसका एरिया जो हो गया वो क्या एक ही एमएम है क्या? नहीं, इसका जो एरिया एक ही एमएम है क्या? नहीं है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि एक एमएम अगर मैं अगर एक एमएम का जो क्षेत्रफल होता हमारा वहाँ कम से कम 250 न्यूटन का बल को सहन कर सकता है, तो मान लो अगर यहाँ पर मेरे को कितने में एरिया क्षेत्र, अब एमएम का मतलब क्या होता है, एमएम से बड़ा कौन होता हमारा सेंटीमीटर, एमएम से बड़ा कौन होता हमारा सेंटीमीटर, तो भैया कम से कम तो सेंटीमीटर में चले गया। अगर मैं इसके एरिया की अगर बात करूँ तो कम से कम मान के चलो कि 100 सेंटीमीटर के आसपास चले, तो 1200 न्यूटन का उसको जो लोड वो सहन नहीं कर पाएगा, कर लेगा ना आराम से, है ना। तो अब फिर सोचो अगर मान लो मैंने अगर 250 का अगर लोड लग रहा है, उसका एरिया मैंने मान लो 1 एमएम का एरिया, मान लो ये एरिया मेरा कितना है 1 एमएम का इस पर का है, और इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ कितना 250 का, तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट तो होगा ये, है ना। अब गाड़ी मेरी पंचर वगैरह बना के और गाड़ी को मैंने यहाँ से हटा दिया, ये गाड़ी को हटा दिया, तो भैया ये डिफ्लेक्शन जो था ना वो सी से यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लो गाड़ी में जैसे ही मैंने 151-155 का अगर लोड लगाता हूँ, तो भैया जो ब्रिज है ना मेरा सेंटर से ऐसे कैसे हो जाएगा, यानी जो रस्से वगैरह जो लगाते हैं ना इसे पकड़ के रखते हैं उसके हिसाब से पूरा के पूरा ही हो जाएगा, है ना। और उस पर लोड लगा देंगे तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि अल्टीमेट डिस्टेंस क्या है वो 415 से 430 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 417 जो होता है ना, 417 से 430 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो होता है हमारा, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर एक एमएम एरिया के ऊपर अगर आप 417 से 430 का अगर बल लगाते हो, है ना, तो वो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो इतनी बड़ी कहानी समझाने का मतलब है तो सिर्फ दो ही वर्ड था, एक तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ और दूसरा होना है यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अपलोड करोगे ना इसको? क्या होगा? अपलोड करोगे ना? हाँ सर, वहीं से लिख लो, है ना। अच्छा, यहाँ से बनने वाले सॉरी क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि अगर आप लोड 250 न्यूटन से अगर उसमें ऊपर लगाते हो, तो जो क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ से अपन लोग चार क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर आप एमपी 250 न्यूटन पर एमएम का अगर स्टील यूज कर रहे हो, ठीक है ना, और उस स्टील के ऊपर आप लोग 260 न्यूटन पर एमएम का अगर लोड लगाते हो, तो ऑप्शन सुनो, तो ऑप्शन सुनो, ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन तो ये होगा, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला स्ट्रक्चर क्या फेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो ये इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, ऑप्शन नंबर तीन इसमें यील्ड स्ट्रेंथ होगी, ऑप्शन नंबर चार ये इसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। तो भैया आप लोग सोच सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर 250 का अगर लोड लगा रहा हूँ और मेरे को क्वेश्चन में गिवन कितना 260 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो उसमें ना तो यील्ड स्ट्रेंथ होगी, यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ तक रहती है, मेंटेन कम से कम अपना 250 तक,
अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी यहां पे पहुंच गया 417 से 430 में कहां पहुंच जाएंगे अपन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे, है ना। मेंबर हमारा फेल होगा क्या? अरे मेंबर फेल ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा तभी तो मेंबर हमारा फेल होगा। फिर क्या होगा सर? इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी? हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। क्वेश्चन यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि एपी 250 की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 417 से 430 के बीच में कुछ भी दे सकता है अपने को। 420 न्यूटन पर एमएम भी दे सकता है, 400 में 452 भी दे सकता है, 425 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन आपने को एक बार ध्यान देना है कि हमको पढ़ने से रेंज से ही पता चलेगा, ठीक है ना। हम लोगों को 417 से 430 न्यूटन पर एमएम इसका हमको रेंज अच्छे से हमको याद आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनने वाला ये सुन लो कि सर जो एपी जो 1250 लिखते हैं हमको उसकी यूनिट क्या होती है, ना। तो आप आंसर देना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एसएससी जेई हो गया, सब इंजीनियर हो गया, ना। तो वहां पर ये छोटी छोटी क्या यूनिटें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, है ना। ये छोटी छोटी यूनिटें क्या बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। निकल आया आपने तीन क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सुन लो कि अगर आयरन जो है मैं अगर 250 यूज करता हूँ मैं और मेरे को 230 न्यूटन पर एमएम का लोड लगाना है तो जो मेरा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा सर? इलास्टिसिटी होगा या प्लास्टिसिटी या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो आंसर देना आप लोग इलास्टिसिटी होगा। क्यों? क्योंकि 250 ऊपर अगर मैं बल लगाता हूँ तो वो तो चल रहा है हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी प्लास्टिसिटी में स्टेज में पहुंच गया ना। अभी इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको मैं जब मोस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो जो स्टील होता है हमारा वो तो किससे मिलकर बनता है? स्टील किससे मिलकर बनता है सर? आयरन से। हाँ, अरे जो सरिया या स्टील होता है ना वो किससे मिलकर बनता है सर? ये आयरन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। और आयरन से हम लोग क्या क्या यूज करते हैं सर? हम लोग तो एपी 250 एपी 410 और एपी 500 कभी आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि स्टील आयरन से मिलकर नहीं बनता। एक बार ध्यान रखना इसमें कार्बन भी प्रेजेंट रहता है। स्टील में क्या? कार्बन भी प्रेजेंट रहता है, कार्बन भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। मेरे को तो आप लोग एक ही बात बताओ, अगर आप लोग अगर एक सिविल इंजीनियर हो और आयरन हमेशा कहाँ से निकालते हैं? मिट्टी से खोद के निकालते हैं इसको, आयरन को जमीन से खोद के निकालते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि कार्बन है ना आता कहाँ से? एक बात मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं कि जो कार्बन है ना वो हम ऊपर से नहीं मिलाया जाता कार्बन को स्टील में हमेशा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि कार्बन जो होता है ना वो स्टील की डक्टिलिटी को बहुत कम कर देता है, यानी कि उसको घंगुर बना देता है, ठीक है ना। आप लोग जो पेंसिल वगैरह देखते होंगे ना नोक होती है वो किसकी बनी? तो टोटल कार्बन की बनी होती है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आयरन के अंदर हम लोग अगर कार्बन ऐड करेंगे तो उसकी हमको, हम तो ये चाहेंगे कि आयरन कैसा होगा हमारा? इलास्टिसिटी, यानी उसमें लंबा भी परिवर्तन आसानी से हो भी जाए और अपने स्थान पर वापस आ भी जाए। जब हम लोग हमारे मन से अगर कार्बन मिलाते हैं तो उसकी डक्टिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। तो हमारा कहना मतलब ये है कि भैया जो आयरन है ना, आयरन हो गया हमारा, उसमें इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है कितना होता है? 0.250 अगर बात करते हैं 0.25 अप टू 100%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एपी 250 का अगर आप लोग स्टील बना रहे हो तो उसमें कम से कम हम लोगों को 0.25% आयरन सॉरी कार्बन इसमें यूज करते हैं। और एक बात ध्यान देना, स्टील में कभी भी
2% से कभी ज्यादा कार्बन यूज नहीं किया जाता, ये बात यहां पे है। स्टील में कभी भी 2% से कभी भी कार्बन यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, इसका रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि अगर 2% से अगर कार्बन ज्यादा हो गया तो समझ जाना भैया वो आयरन बन गया फिर से अपना, वो क्या बन गया हमारा आयरन बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर Fe250 आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर जो कार्बन की जो मात्रा होती है कितने 0.25% से 0.25%, यानी कह सकते हैं हम लोग ठीक है 1% का चौथा भाग, ठीक है ना। अगर मैं Fe प्रोन फाइव की अगर बात करता हूँ तो इसमें जो रेंज होती है 0.25% से 0.40% या कभी कभी 40 की जगह पर 0.60 भी आता है, ये बात ध्यान देना है ना। तो Fe415 में 0.25 से 0.40 या 0.60 है ना। अगर यहाँ पर 0 नहीं भी लिखोगे तो आप लोग कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो Fe होता है हमारा 515 में, ये होता है 0.602 1.5%, हाँ 1.5%। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक बार ध्यान देना कि एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि भैया अगर आप लोग Fe250 का अगर कोई स्ट्रीम मेंबर बना रहे हो, स्ट्रक्चर मेंबर बना, तो उसमें कार्बन कंटेंट होता हमारा Fe250 के लिए जो कार्बन कंटेंट होता है 0.25%, Fe415 के लिए होता है 0.25% से 0.40 से 60 बोल सकते हैं, ठीक है ना। Fe500 के लिए होता है 0.602 1.5% है ना। फर्स्ट कंडीशन तो मेरा ये था कि मैं कभी स्टील में कार्बन 2% से अगर ज्यादा यूज करता हूँ तो फिर से मेरा बन जाएगा वो आयरन। तो कहने का मतलब ये है, आप तो सर हमको ये बताओ कि फिर स्टील में जो मैक्सिमम जो कार्बन हम लोग यूज कर सकते हो कितना है। तो मैं एक बार पता कर सकता हूँ यहाँ पर कि इसमें जो मैक्सिमम जो हम लोग कार्बन यूज करते हैं, मैक्सिमम जो कार्बन हम लोग यूज करते हैं कहाँ में, स्टील में, तो वो कितना होता है 2%, ठीक है 2% से ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ यानी अगर कोई भी आप लोग स्टील बना रहे हो, चाहे आप लोग आरसीसी के लिए स्टील बना रहे हो या फिर स्टील स्ट्रक्चर, यानी कह सकते हैं हम लोग जो रेलवे ब्रिज वगैरह होते हैं ना, वहां पर भी आप स्टील बना रहे हो तो इसका मैक्सिमम जो कार्बन कंटेंट जो हमारा होता है, यानी कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होती है, इसमें जो अधिकतम जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो अगर यहाँ पर आप लोग 2.5% की अगर उसमें कार्बन मिला दिए तो समझ जाना कि वो हमारा फिर से बन जाएगा क्या भंगुर पदार्थ तक जो हम जमीन से खोद के निकालते हैं, सेम टू सेम वैसा ही बन जाएगा, आयरन बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को सर ये बताओ आप लोग कि स्टील में, स्टील तो बनता है हमारा आयरन और कार्बन से, तो फिर कार्बन आया कहाँ से? तो क्या हुआ, अच्छा नहीं नहीं कार्बन आया कहाँ से, तो सर हमको ये बताओ कि आयरन से स्टील कैसे बन गया, है ना, आयरन से स्टील कैसे बन गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आयरन के इसमें बहुत सारे एलॉय होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, निकिल होते हैं, फास्फेट भी होता है इसमें, है ना। तो हर किसी का अपना अपना एक गुण है। जैसे भैया मैंने कहा सर इतने सारे जब आयरन निकाल ही चुके हम लोग, इतना सारा उसमें एलॉय क्यों यूज किया हम लोगों ने, तो अरे भैया अगर मेरे को स्टील अगर जम्मू कश्मीर में अगर यूज करना है तो वहाँ पर टेम्परेचर होता है क्या बहुत ज्यादा कम, यानी तापमान वहाँ होता है 0°C से भी कम चले जाता है, है ना। तो वहाँ पर तापमान जो होता है मेरा 0°C अगर कम चला जाता है और मेरे को स्टील वहाँ पर यूज करना है, तो मैं ये बना सकता हूँ कि अगर तापमान की भी क्या उसमें मैग्नीशियम लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ना अगर 0°C अगर तापमान कम होता है ना तो वहाँ पर स्टील को भंगुर नहीं बनाएगा, यानी उसको इलास्टिसिटी उसको मेंटेन करके रखेगा, यानी उसके प्रत्यक्षता जो होते हैं ना मेंटेन करके रखेगा। तो मेरे को सर तो एक ही बात बताओ ये आयरन में कार्बन आया कहाँ से, है ना, इसको तो मैं अभी कार्बन कहाँ से आया ये तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो, है ना, या फिर बी कंप्लीट कर चुके होंगे, आप लोगों को इतनी बात तो पता होनी चाहिए सर ये कार्बन जो होता है वो आता कहाँ से। अगर आप लोगों को अगर नहीं आया हो तो मैं कल इसका कन्फर्म आंसर दूंगा। फिर क्वेश्चन मेरा यह है कि सर जो आयरन है हमारा क्या हुआ, क्या हुआ इसका, जो आयरन का मिल से क्या हुआ, है ना, आयरन का मीनिंग क्या हुआ कि जो आयरन हमारा
1855 तक तो भैया चल रहा था हमारा क्या आयरन यूज हो रहा था ना? यस सर। क्या कहा मैंने 1855 तक तो हमारा आयरन यूज हो रहा था। मैंने क्यों हो रहा? अरे अगर मैं प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करता हूँ, यानी हिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे वहां पर, तो मैं प्री हिस्टोरिक अगर पीरियड की अगर बात करता हूँ तो वहां पर क्या सबसे पहले धातु जो बनी कौन सी बनी? सर सबसे पहले धातु जो है ना हमारी तांबा बना। क्या कौन सी धातु बनी सबसे पहले? तांबा बना। फिर तांबा बना ना, अरे जो हथौड़े वगैरह जो बनाते थे ना, अगर मैं जो आदि मानव की बात कर रहा हूँ, जो आदि मानव वगैरह सबसे पहले धातु कौन सी बनाई सर? तांबा। और तांबा से ही बन गया अपना क्या आयरन, है ना। तो क्या हुआ कि ये प्रोसेस चलती रही चलती रही चलती रही, आज से लगभग कम से कम 4000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये आयरन की बात है ना, आज से लगभग 4000 साल पहले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रोसेस चलती रही चलती रही चलती रही, फिर एक दिन ऐसा आया कि भैया हमारे भारत में क्या अंग्रेजों का जमाना आ गया, है ना। भारत में किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया, है ना। अब अंग्रेजों का जब अधिकार हो गया तो हुआ यूं कि अंग्रेज कहाँ के थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे, है ना। और उनको एक टाइम देखने के लिए क्या चाहिए था? अपने एक घड़ी की आवश्यकता थी, है ना। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि ब्रिटेन से बहुत सारी घड़ियां बुलवा ले भारत में, है ना। जब वो लोग यहाँ पर अगर बिजनेस करने के हिसाब से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना यहाँ पर। यस सर। तो फिर सोचा कि चलो एक घड़ी की बात करें, चल घड़ी हटाओ। कच्चे माल को ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? गाड़ियां वगैरह, क्योंकि उसमें महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम पे, है ना। उसमें खर्चा वगैरह क्या बहुत ज्यादा लग रहा था। तो फिर एक वैज्ञानिक था हमारे, कौन? हेनरी बेसेमर। एक हमारे जो वैज्ञानिक थे कौन? हेनरी बेसेमर। हेनरी बेसेमर एक जो वैज्ञानिक हमारे हेनरी बेसेमर, है ना, हेनरी बेसेमर। तो उन्होंने सोचा कि भैया 1855 तक तो स्टील चला, फिर 1856 से फिर स्टार्ट हो गया हमारा क्या स्टील। अच्छा, एक साल उनको हेनरी बेसेमर ने क्या किया कि आयरन तो हो गया हमारा पूरा भंगुर पत्थर, यस सर। तो उसमें ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि उनको बनाने थे रेलवे की पटरियां, यस सर। उनको क्या बनाने थे? रेलवे की पटरियां बनाने थे। उसमें आयरन में ऐसा क्या मिलाया जाए कि रेलवे की जो पटरियां है ना, गर्मी के टाइम में हिलती है और ठंड के टाइम में सिकुड़ती है। लोहा एक बार ध्यान देना, अगर आप लोग चाहे एक्सप्रेस करो या नहीं करो, अगर बात करता हूँ अगर कॉन्क्रीट की बात करता हूँ मैं, तो कॉन्क्रीट भी एक बार ध्यान देना, कॉन्क्रीट की एक बार ध्यान देना कि कॉन्क्रीट भी हमेशा फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि हेनरी बेसेमर ने क्या किया कि इसमें क्या मतलब प्रयोग करके इसमें क्या कार्बन मिला लिया, है ना, इसमें कार्बन मिला लिया। लेकिन कार्बन कब मिलाया है ये इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस हो गई, है ना। और मेरे को एक बनाना है, मेरे को क्या एक पटरी बनानी है, एक मेरे को क्या बनानी है, पटरी बनानी है। तो पटरी को कम से कम 1700 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं गर्म करता हूँ, लोहा को या स्टील को अगर मैं 1700 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करता हूँ ना, तो वहाँ पर पटरी को हम लोग या लोहे को किसी भी शेप में हम लोग उसको ढाल सकते हैं। अगर आप लोग 1400-1500 डिग्री सेल्सियस अगर उसको गर्म करते हो तो उसको शेप नहीं दे सकते, हालांकि वो गर्म हो जाता है, उसको शेप नहीं दे पाते, है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया मेरे को ये बताओ कि रेल की पटरियां बनाने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर क्यों रहता है, क्या आंसर देना आप लोग कि इसको हम किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया इसकी हिस्ट्री, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर अभी इसको स्टॉप करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर स्टील की डेफिनेशन और इसके एडवांटेज स्टील, ठीक है।